अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे विदाउट मेकअप एक लुक जो है वो क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम अपनी स्किन को पहले प्रिपेयर कर लेंगे। आपने अच्छे से अपना फेस वॉश कर लेना है, क्लिंजिंग कर लेनी है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ रोज़ वाटर, अगर आपके पास नहीं है तो ले लें, स्किन के लिए अच्छा होता है। अच्छा जी, उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइज़र। ये मेरे पास बॉडी शॉप का है, ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। बहुत अच्छा है, आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन अच्छा है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। गर्मी सर्दियाँ आ चुकी हैं तो आप अब जितना अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हैं उतना करें, स्किन अच्छी होगी। अच्छा जी, अब हम एक वैसलीन ले लेंगे, उससे जो है अपना मेकअप क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम वैसलीन को लगाएंगे अपने होंठों पे। ये जो आपकी होंठ फट जाते हैं सर्दियों में, आपको रोज़ लगानी चाहिए, इससे आपके होंठ बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। लगाने से ग्लो भी आता है। यहाँ मैंने ले लिया ब्यूटीफाई बाय आमना का कंसीलर, अपने जो डार्क सर्कल हैं इनको हल्का हल्का कम करने के लिए या नज़र ना आए, इसलिए ये लगा रही हूँ मैं। अच्छा जी, इनको उसको मैं ब्लेंड करूँगी अपनी फिंगर से ही। फिंगर से बहुत अच्छा ब्लेंड होता है। आप अगर फाउंडेशन लगा रहे हो या स्टिक लगा रहे हो, कुछ भी अगर आप अपने हाथ से करोगे तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। ब्यूटी ब्लेंडर की निस्बत हाथ से ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ आप मेरी दोनों आँखों में डिफरेंस देख सकते हो। बिल्कुल आपने लाइट सा लगाना है, बिल्कुल वाजा फ़र्क नज़र आएगा। दूसरी आंख पे भी कर लिया भैया। अच्छा जी, अब हमने ले लिया वैसलिन को दोबारा और हम इसको अप्लाई करेंगे अपने आईब्रोज पे। मेरे जो आईब्रो हैं उनको बहुत ज़्यादा फिल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले डार्क हैं, तो हल्का हल्का लगा लूँगी, शाइन आएगी आईब्रोज में। हल्का सा नोज पे लगा लेंगे ग्लो देने के लिए, और फिर हम इसे लगाएंगे अपनी आई लैशेज़ पे। आप इसको रात, वैसलीन इतनी अच्छी आई लैशेज़ के लिए, आप रात को इसको लगा के सोए ना, आपको एक हफ्ते में जो है ना फ़र्क महसूस होगा। जिनकी कम है ना वो लगा के देखें, आपको आपका जो आई का वॉल्यूम है ना आई लैशेज़ का, वो अच्छा हो जाएगा। यहाँ फ़र्क देख सकते हो दोनों आँखों में, बिल्कुल आपने ऊपर ऊपर इसकी जो टॉप है ना वहाँ पे लगाना है। ऐसे ही हम दूसरी आँख पे के ऊपर भी अप्लाई कर लेंगे आई लैशेज के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ हमारी जो लुक है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम अपने बालों का थोड़ा बहुत स्टाइल बना लेंगे, कर्ल कर लेंगे इन्हें। आप जैसा भी करना चाहते हो घर में, आप ये लुक जो है डेली रूटीन पे, इसे आपकी स्किन अच्छी रहेगी, अच्छे नज़र आओगे दिन में। आपको मेरी लुक कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा।